दोस्तों, ये जो कैंडल चार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये कैंडल चार्ट आपकी मार्केट के ऊंच नीच का भाव प्रदर्शित करता है और इस कैंडल चार्ट को समझना बहुत अनिवार्य है। अगर आप लोग इस कैंडल चार्ट को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो अपने मार्केट में ऑनलाइन मार्केट पे जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा बर्बाद हो जाता है। और इस कैंडल चार्ट को समझ लेने के बाद आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा नहीं गंवाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोगों को कैंडल चार्ट का की जानकारी हो पाएगी। और मैं आज के इस वीडियो में कैंडल चार्ट का शॉर्ट में वीडियो लेकर आया हूं। और आप लोग अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, वीडियो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कि इसकी हमें पूरी जानकारी चाहिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए इसकी फुल जानकारी लेकर आऊँगा। लेकिन पहले आप इस वीडियो को जो मैं शॉर्ट में लेकर आया हूँ, पहले आप लोग इस वीडियो को देखें और जानें, इसके बाद आप लोग मुझे लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं पहले वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग पहले इस वीडियो को देखें और समझें कि ये कैंडल चार्ट का मतलब क्या है। देखिए सर, ट्रेड लगा हुआ है मेरा सर, ये लगा हुआ है सर, और इसका कैंडल मैं दिखाने जा रहा हूँ सर। ये मार्केट किधर जाएगा सर, जो इस बता रहे थे बेरी सही है नीचे की ओर, और इधर ऊपर किधर जाएगा सर? टाइमर हमने 3 मिनट का लगा रखा है सर। आवाज आ रही सर? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है जी। 15 मिनट में करें सर? 15 मिनट में? 3 मिनट में नहीं पता चलता है, 15 मिनट में करें जी सर। जी सर जी, यहाँ आपका ट्रेंड जो है अभी स्पिनिंग टॉप, अगर ये कैंडल बन जाता है, यहाँ तो आपका स्पिनिंग टॉप का ही बना है, लेकिन ये मार्केट अभी साइडवेज में चल रहा है, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं होगा सर, साइडवेज में चल रहा है, लेकिन इसी बीच में आपको थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे स्पिनिंग टॉप बन रहा है, ये मार्केट को नीचे की ओर प्रदर्शित कर रहा है सर। थोड़ा सा नीचे जाएगा, आज हम सभी लोग देख पा रहे हैं, कल से ही अभी देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आप आगे सरकाएंगे तो देखेंगे ये बिल्कुल मार्केट साइडवेज चल रहा है, मैं हमें फायदा नहीं देता है, वह बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जाता है। हाँ, यही मार्केट जब बिल्कुल अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, कल बेहतर तरीके से डाउन ट्रेंड में चला और आज भी डाउन ट्रेंड में ही है, लेकिन अभी आज जो देख पा रहे हैं ये साइडवेज चल रहा है, तो ये हल्का सा नीचे जाएगा सर जी। सर ये क्या चीज है सर? ये ब्लू कलर दिखा रहा है सर, ये रेड कलर, ब्लू कलर वाला, ये आपका 3 लाइन दिख रहा है सर, आप ज्यादा खोल दिए हैं, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर उठाएं, हम आपको बताते हैं, स्क्रीन को ऊपर उठाइए जी। ये एमए, ईएमए कर ले, एमए के जगह पर ईएमए, और ये वॉल्यूम ये सब बंद कर दें, वॉल्यूम को भी बंद कर दीजिए, एमएससीडी को भी बंद कर दीजिए जी। अब आपके पास ये 3 लाइन है सर, 3 लाइन आपका, ये आपका जो वायलेट कलर का है वह आपका आधार बनाता है, जिसको हम आधार कहते हैं, और आपका ये गुलाबी कलर का है वह रेजिस्टेंस है जी, रेजिस्टेंस है, और जी, और इसके बाद येलो कलर का जो है वह मूविंग एवरेज बताता है कि कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे जाता है, तीनों लाइन का 3 काम है, ठीक है। जैसे हम ट्रेड लगाते हैं तो क्या होता है, नीचे में हमारा सपोर्ट लाइन होता है, यही आपका जो बैगनी कलर में है वो आपका सपोर्ट लाइन है, गुलाबी कलर वाला है रेजिस्टेंस।